तो अब मैं 45 2A में आपको करा रहा हूं, पर अभी आप समझेंगे कि 45 2A होता क्या है। पहले क्या होता था, हम जब कभी भी किसी भी कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदते थे तो हमें सर्टिफिकेट मिलता था। मैं शेयर्स की बातें कर लेता हूं। तो जब कभी भी हम किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते थे तो हमें शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। मेरे ख्याल से ये वर्ड सबने सुना होगा, शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, वैसे तो ये कंपनी लॉ का वर्ड है, बट स्टिल हम लोग सब जानते हैं व्हाट इज अ शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, वैसे तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो गया है, दैट वी कॉल्ड डीमेटेरियलाइजेशन, डीमैट फॉर्म। ठीक है, बट पहले वो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट मिलते थे। तो मैं एज्यूम कर लेता हूं कि कोई मिस्टर एक्स है। ठीक है, ये कौन है, ये एक आर्किटेक्ट है वैसे तो। ठीक है, ये एक आर्किटेक्ट है, तो इनकी कौन सी इनकम आती होगी? सर इनकी तो बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम आती होगी, PGBP पक्का, तो इनकी बिजनेस इनकम आती है। बट इनके पास कुछ सरप्लस पैसा रहता है तो, और इनको अच्छा भी लगता है शेयर मार्केट में पैसे लगाना, तो ये कुछ कंपनीज के शेयर्स खरीदते रहते हैं। ठीक है, और मुझे बताइए प्लीज, क्या इनका बिजनेस है शेयर्स खरीदने या बेचने का? नहीं सर, वैसे तो ही इज अ प्रोफेशनल आर्किटेक्ट, तो इनकी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम आती होगी जो ये अपनी आर्किटेक्ट सर्विसेज देते होंगे। बट क्योंकि ये शेयर्स खरीदते हैं बेचते हैं कभी कभी, तो इनकी वो कैपिटल गेन आएगा, वो उनका कैपिटल एसेट है। बिल्कुल ठीक, हम जानते हैं ना स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं होता, बट इनका स्टॉक इन ट्रेड थोड़ी है। जैसे कि आप लोग शेयर्स खरीद लें और उसको बेचें तो कैपिटल गेन आएगा। आप जानते हैं लिस्टेड शेयर 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म हो जाते हैं, अनलिस्टेड शेयर्स 2 साल के बाद लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। ठीक है, डिबेंचर्स लिस्टेड हो तो 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म, अनलिस्टेड हो तो 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म। ठीक है, जनरली तो 3 साल होता है ना सबके लिए। ओके, कमिंग बैक, मिस्टर एक्स एक आर्किटेक्ट है और इनकी PGBP की इनकम आती है। लेट्स से ऑन फर्स्ट अक्टूबर 2012 को। ठीक है, काफी साल हो गए। ठीक है, अभी 2019 चल रहा है। ठीक है, 7 साल पहले करीब इन्होंने 100 शेयर्स खरीदे थे ऑफ कोई भी कंपनी ले लेते हैं, लेट्स से रिलायंस पर लिमिटेड के, एट अ रेट ऑफ एज्यूम कर लेते हैं ऐसी 55 ईच। तो आई हैव गिवन यू वन इंफॉर्मेशन कि मिस्टर एक्स इज एन आर्किटेक्ट, वैसे इनकी बिजनेस इनकम आती है बट ये शेयर्स भी खरीद लेते हैं। तो इन्होंने शेयर खरीदा था 1/10/2012 को। ठीक है, लगभग 7-8 साल पहले 100 शेयर्स खरीदे थे 55 ईच के। ठीक है, कैपिटल असेट है, जब भी बेचेंगे कैपिटल गेन आएगा। हाँ सर, जब भी बेचेंगे कैपिटल गेन आएगा, और सर अब 2019 में बेचेंगे तो पक्का लॉन्ग टर्म आएगा। ओके, और इनको शेयर सर्टिफिकेट मिल गया था। ठीक है, ये था इनका शेयर सर्टिफिकेट। कैसा दिखता था शेयर सर्टिफिकेट? तो ये शेयर सर्टिफिकेट था इनका, इस पर लिखा होता था, ये कौन इशू करता था? सर कंपनी इशू करती थी। ठीक है, कंपनी इशू करती थी अपने इन्वेस्टर को, और वो लिखती थी कि यहाँ पर आपने कितने शेयर्स खरीदे हैं, नंबर लिखती थी, डेट वगैरह लिखती थी कि किस डेट को आप शेयर होल्डर हमारे बने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ था, डेट भी लिखी होगी 1/10/2012 को शेयर होल्डर बने हैं और आपने 100 शेयर्स खरीदे हैं। तो दिस वॉज अ शेयर सर्टिफिकेट, ये शेयर सर्टिफिकेट था जो कंपनी ने इनको इशू करा था। ओके, इन्होंने क्या किया, लेट्स से ऑन 5/11/2018 को इन्होंने 50 शेयर्स और खरीदे, सेम कंपनी ऑफ रिलायंस पर लिमिटेड के, एट अ रेट ऑफ, लेट से शेयर का प्राइस बढ़ गया है तो एट अ रेट ऑफ 98 ईच। तो उन्होंने
2018 में 98 रुपीज के हिसाब से 50 शेयर्स और खरीद लिए। टेल मी मिस्टर एक्स के पास टोटल कितने शेयर्स हैं रिलायंस के? अब सर रिलायंस के टोटल शेयर से इनके पास 100 ये थे, 50 ये थे, तो टोटल हो जाता है 150 शेयर्स इनके पास थे, ठीक है। और मैं एज्यूम कर लेता हूं कि इनको यहां पर भी शेयर सर्टिफिकेट मिला था, यहां पर भी इनको शेयर सर्टिफिकेट मिला था, शेयर सर्टिफिकेट जिस पे लिखा हुआ था 50 शेयर्स खरीदे हैं, कौन सी डेट को? 5/11/2018 को, ठीक है। सो नाउ ही हैज टोटल ऑफ 150 शेयर्स, इनके पास 150 शेयर्स हैं और इन्होंने ये अलग अलग डेट्स को खरीदे थे। इनके पास शेयर सर्टिफिकेट है ना दोनों का, ठीक है। अभी मैं डीमैट फॉर्म में नहीं मान रहा हूं, ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट है। लेट्स से इफ आई टेल यू ऑन 1/4/2019, ठीक है, डेट समझ में आती है, 1/4/2019 हमारे वाले ईयर में ये फॉल कर रही है, फर्स्ट डे है। ऑन 1/4/2019 इन्होंने अपने 40 शेयर्स बेचे, इन्होंने अपने 40 शेयर्स बेचे, बेच सकते हैं ये? हाँ सर, इनके पास 150 शेयर्स थे, 40 शेयर्स बेचना चाहते हैं तो आराम से बेच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो ये 40 शेयर्स बेच रहे हैं और जब इन्होंने 40 शेयर्स बेचे तो इनको शेयर सर्टिफिकेट भी सरेंडर करना पड़ता है, ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट भी सरेंडर करना पड़ता है। तो अब डिपेंड करते हैं कौन सा शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर करते हैं, ये कंपनी को बोलते हैं कि मैंने शेयर्स बेचे थे तो शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर हो रहा है। मैं बताऊंगा आपको डीमैट फॉर्म में क्या होता है, बट अभी मैं पुरानी वाली फॉर्म बता रहा हूं आपको, जब फिजिकल शेयर्स मिलते थे, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स मिलते थे। नाउ ही सेलिंग हिज 40 शेयर्स, और मैं ये कह दूं अगर आपसे कि इन्होंने ये वाला शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर करा है, ठीक है, अगर ये शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर हुआ है उसके बाद क्या होगा, ये कंपनी को ये सर्टिफिकेट देते हैं, उसके बाद कंपनी 50 शेयर्स का सर्टिफिकेट ले लेती है, इनको वापस इशू कर देती है 10 का शेयर्स का, क्योंकि 50 में से 40 जा रहे हैं, 10 का वापस एक्स को इशू हो जाएगा, बाकी के 40 किसी और को इशू हो जाता है, ठीक है। मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, हमारे लिए इतना रिलेवेंट नहीं है, वो कंपनी लॉ का पोर्शन है, ठीक है, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये अपना ये सर्टिफिकेट सरेंडर करते हैं तो मेरा बस क्वेश्चन आपसे इतना सा है कि कैसा कैपिटल गेन आएगा, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा? सर हम शेयर्स के बारे में जानते हैं कि एक साल के बाद लॉन्ग टर्म हो जाते हैं, वेरी गुड। और सर ये 5/11, और क्योंकि ये लिस्टेड शेयर्स है ना, रिलायंस पावर लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है, 5/11/2018 को सर ये लिस्टेड अनलिस्टेड कैसे पता चलेगा? जनरली आपको दिया होता है क्वेश्चन में कि इट्स अ लिस्टेड कंपनी, ठीक है, और वैसे भी ना अनलिस्टेड की एक बहुत अच्छी पहचान होती है, वहां पर लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड, अनलिस्टेड की एक अच्छी पहचान होती है, वहां पर लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड, जैसे रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड तो इज ऑलवेज अनलिस्टेड, इतना तो हमें पता ही होता है, प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट का मतलब वो पब्लिक में इन्वेस्ट नहीं करती, तो वो लिस्ट कराती नहीं है। हम लिस्ट क्यों कराते हैं, लिस्टिंग ऑफ शेयर्स क्यों होता है, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज इसलिए होता है जिससे कि पब्लिक कभी भी चाहे तो शेयर्स खरीदे, कभी भी चाहे तो शेयर्स बेचे, ठीक है। जब हमें पब्लिक को इन्वॉल्व ही नहीं करना तो वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट इट लिस्टेड, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज कभी भी लिस्ट नहीं हो सकती क्योंकि प्राइवेट कंपनीज में कभी भी पब्लिक का पैसा नहीं लगा होता, ठीक है। आर यू ऑल गेटिंग दिस? ओके, ओके, हाँ, टेल मी अगर ये शेयर सर्टिफिकेट हो रहा है तो सर 5/11/18 से लेकर अगर हम ये देखें 1/4/2019, इन दोनों डेट्स को अगर हम देखें तो सर ये तो शॉर्ट टर्म की डेट निकल रही है, एक साल से कम ही हुआ है, तो हमारे पास आ जाता है शॉर्ट टर्म, एग्री है? तो हमारे पास शॉर्ट टर्म आ जाएगा पक्का। इन केस मैं ये कहता हूं कि जब इन्होंने अपने 40 शेयर्स बेचे, जब कभी भी इन्होंने अपने 40 शेयर्स बेचे तो इन्होंने ये शेयर सर्टिफिकेट को सरेंडर करा, कंपनी को बोला कि आई वॉन्ट टू ट्रांसफर माई 40 शेयर्स
और मैं आपको ये वाला शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर कर रहा हूँ, ठीक है। कितने का शेयर सर्टिफिकेट था सर? 100 शेयर्स का शेयर सर्टिफिकेट था। टेल मी, अगर ये शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर करते हैं तो इनका कैपिटल गेन तो आएगा, दैट इज फॉर श्योर, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? सर अगर ये शेयर सर्टिफिकेट जाएगा, क्योंकि इसकी डेट 1/10/2012 थी और हमारे ट्रांसफर की डेट 1/4/2019 है, चेक करें तो एक साल से तो कहीं ज्यादा हो रहा है, ठीक है, दो साल से भी ज्यादा हो रहा है बल्कि यहां तो पक्का लॉन्ग टर्म आएगा, ठीक है। तो आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि जब हमारे पास फिजिकल शेयर्स होते हैं तो हमें कोई ना कोई शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर करना पड़ता है। अगर हम ये सर्टिफिकेट सरेंडर करते हैं तो दैट विल रिजल्ट इन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और अगर हम ये शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर करते हैं दैट विल रिजल्ट इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो यहां पर कोई एम्बिग्यूटी ही नहीं है। हमारे पास कोई क्लाइंट आता है और वो कहते हैं कि सर मैंने इस साल मेरी बिजनेस इनकम है, बाकी इनकम भी है और मैंने कुछ शेयर्स भी बेचे हैं। हम उससे पूछते हैं क्या शेयर सर्टिफिकेट से आपके पास? उसने कहा सर शेयर सर्टिफिकेट्स का केस था, मेरे पास फिजिकल फॉर्म में शेयर्स थे और मैंने ये जब बेचे तो मैंने ये शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर किया। तो हम जैसे ही शेयर सर्टिफिकेट देखते हैं कि कौन सा शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर हुआ है, वी कैन ईजिली मेक इट आउट कि वो लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा, ठीक है। सब लोग समझ गए? तो मेरे यहां पर मैं फिर एम्फेसिस कर रहा हूं, जब हमारे पास शेयर सर्टिफिकेट होता है, जब हमारे पास शेयर सर्टिफिकेट होता है मतलब फिजिकल फॉर्म में, ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट इज ऑलवेज इन फिजिकल फॉर्म, यहां पे कोई एम्बिग्यूटी ही नहीं होती, यहां पे कोई एम्बिग्यूटी नहीं होती, यहां पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम होती है अब जब शेयर सर्टिफिकेट का कंसेप्ट खत्म हो चुका है, ठीक है। नाउ कंपनी इश्यूज शेयर्स बट दैट इन डीमैट फॉर्म, डीमैट नाम सुना ना सबने, पूरा नाम क्या है इसका? डीमेटेरियलाइजेशन, ठीक है, डीमेटेरियलाइजेशन में लिख दूं इसको, चलिए यहां पर लिखता हूं। डीमेटेरियलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड डीमैट, शॉर्ट में डीमैट, वैसे डीमेटेरियलाइजेशन। मटेरियल का मतलब क्या होता है? मटेरियल का मतलब होता है एनीथिंग विच इज मटेरियल, मटेरियल मतलब एनीथिंग विच कैन बी टच्ड, ठीक है, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड मटेरियल थिंग। तो कैलकुलेटर को मैं देख सकता हूं, मैं टच कर सकता हूं, तो दिस इज मटेरियल, ठीक है। किसी भी वर्ड के आगे अगर डी लग जाता है, डी, तो वो उसका अपोजिट हो जाता है, ठीक है, बिल्कुल उसका विपरीत हो जाता है वो। तो अगर मटेरियल चीज डीमैट में हो जाए, मतलब विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी टेकन इनटू हैंड्स, टेंजिबल चीज है, अगर मैं इसको डीमैट कर देता हूं, ठीक है, तो मतलब हो जाता है इसको फिजिकल फॉर्म को चेंज करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले आना, दैट इज कॉल्ड डीमेटेरियलाइजेशन। फिजिकल फॉर्म को टच कर, फिजिकल फॉर्म को कन्वर्ट कर देते हैं और आपकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आने के लिए, जिसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, इसको कहते हैं डीमेटेरियलाइजेशन, ठीक है। जिस भी वर्ड के आगे डी लग गया, मतलब बोलो समझो उल्टा हो गया, ऑनेस्ट के आगे डी डिसऑनेस्ट हो जाता है, तो उल्टा हो जाता है, ठीक है, समझ में आता है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं ना सिंपल सी भाषा, आपके अगर पॉकेट में 500 रुपीस का नोट है, ठीक है, आप 500 रुपीस का नोट निकाल के दिखाते हैं अपना, तो दैट इज इन फिजिकल फॉर्म। और जब आप इसको बैंक में जाके डिपॉजिट करा देते हैं तो क्या 500 के असेट्स नहीं है आपके पास? हैं, बट वो आपके बैंक में है, पर बैंक में किस फॉर्म में है? वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, ठीक है, आपके पास पैसे तो हैं बट दैट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, उसको कहते हैं डीमेटेरियलाइजेशन। अब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने शुरू से जो शेयर्स खरीदे होते वो डीमैट फॉर्म में खरीदे होते, ठीक है, तो क्या होता सर? ये फिर शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिलता, जब इन्होंने 100 शेयर्स खरीदे थे, कब खरीदे थे? 1/10/2012 को, ये यहां पर शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिलता। सिर्फ क्या मिलता है इनको? एक पासबुक मिलती, जैसे हमें बैंक की पासबुक मिलती है जब जब हम पैसे जमा करते रहते हैं, वेन एवर वी डिपॉजिट आर मनी, तो हमारे बैंक में पैसा आता रहता है, जब जब पैसे विड्रॉ होते रहते हैं तो बैंक से पैसे वापस कम होते रहते हैं, तो ये सब आपकी पासबुक में होता है। तो लेट से इनको अब ये डीमैट की स्टेटमेंट मिल जाती है, मतलब डीमैट की पासबुक मिल जाती है,
तो इन्होंने 1/10/2012 को 100 शेयर्स खरीदे थे, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने यहां पर इस डेट पे 5/11/2018 को 50 शेयर्स खरीदे थे, ओके। अब इनके पास टोटल क्रेडिट कितना है, 150 शेयर्स का। नाउ ही सेलिंग ये 1/4/2019 को ही सेलिंग 40 शेयर्स बिक रहे हैं, ठीक है। मैं फिर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल आपने परसों, ठीक है, अ डे बिफोर आपने अपने बैंक में 10,000 रुपीज जमा कराए, ठीक है, 10,000 रुपीज जमा कराए, 2,000 के 5 नोट्स, ठीक है। कल मतलब येस्टरडे कल आपने 4,000 रुपए डिपॉजिट कराए, 2,000 के 2 नोट्स, ठीक है। तो अब कितने बैंक में पैसे हो गए, सर परसों कराए थे 10,000, 2,000 के 5 नोट, और कल कराए थे 4,000, 2,000 के 2 नोट, ठीक है। तो आपके बैंक अकाउंट में 14,000 रुपए हैं। आज आप अगर 2,000 रुपए वहां से विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, मुझे बताइए बस ये 2,000 रुपए कौन से वाले 2,000 हैं, जो परसों जमा कराए थे या जो कल जमा कराए थे? सर ऐसे तो नहीं बता सकते, ठीक है, पक्का ना ऐसे नहीं बता सकते। इसी तरीके से मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये 100 शेयर्स पहले आए थे, फिर 50 शेयर्स आए थे, उसके बाद ये 40 शेयर्स निकले हैं, नाउ इट इज इन डीमैट फॉर्म। पहले तो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स थे, वहां पर कोई दिक्कत नहीं थी, बट यहां पर तो इट्स ए डीमैट फॉर्म, ये कौन से शेयर्स हैं? और ये पता करना जरूरी है, क्यों? क्योंकि सर अगर ये 100 शेयर्स हैं तो इसके ऊपर तो लॉन्ग टर्म आएगा, और अगर ये शेयर्स हैं तो इसके ऊपर शॉर्ट टर्म आएगा, और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म निकालना जरूरी है क्योंकि टैक्स रेट अलग अलग है, ठीक है। यहां पर तो असेसी फायदा उठाएगा, उसको जहां पर फायदा होगा वो इसको वो गेन बनाएगा, वो कहेगा सर ये जो मैंने 40 शेयर्स बेचे हैं, अगर उसको लॉन्ग टर्म आने से फायदा होता है तो वो कहेगा सर मैंने इसका पार्ट बेचा है, अगर उसको शॉर्ट टर्म आने से फायदा होता है तो वो कहता है कि मैंने इसका पार्ट बेचा, क्योंकि दोनों के रेट्स अलग अलग होते हैं। आर यू ऑल गेटिंग दिस? तो यहां पर एक कंफ्यूजन आ गया, जो सिक्योरिटीज डीमैट फॉर्म में है, जो सिक्योरिटीज डीमैट फॉर्म में है उसके ऊपर असेसी अपने फायदे के हिसाब से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बनाने लगा। सो हेयर कम्स सेक्शन 45(2)(a). तो सेक्शन 45(2)(a) ने यहां पर एक एक्सप्लेनेशन डाली है। तो 45(2)(a) इज अ वेरी सिंपल सेक्शन, इट्स अ वेरी सिंपल सेक्शन, सिर्फ ये क्लैरिफाई कर रहा है कि जो सिक्योरिटीज डीमैट फॉर्म में होती हैं, जो सिक्योरिटीज डीमैट फॉर्म में होती हैं उसके ऊपर हम किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। इसके अलावा 45(2)(a) कुछ नहीं बोलता है। तो 45(2)(a) ये कहता है कि जो सिक्योरिटीज डीमैट फॉर्म में है हमेशा हम उसके ऊपर एज्यूम करेंगे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही एज्यूम करने वाले हैं, यानी कि जो सिक्योरिटीज हमने पहले खरीदी थी उसी का पार्ट बिक रहा है। तो प्लीज मुझे जल्दी से बताइए, अगर यहां पर हमारे ये 40 शेयर्स जा रहे हैं तो वो कौन से शेयर्स होंगे, ठीक है, वो कौन से शेयर्स होंगे? सर फर्स्ट इन यानी कि वो 100 शेयर्स पहले आए थे, तो पहले इसको पूरा खत्म करेंगे उसके बाद ही हम इस पर आएंगे, ठीक है। तो 45(2)(a) इज अ वेरी सिंपल सेक्शन। तो जैसे कि अब मैं 40 शेयर्स के ऊपर बताऊं तो शॉर्ट टर्म आएगा या लॉन्ग टर्म आएगा? सर पक्का लॉन्ग टर्म आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट इन वाला जो फर्स्ट लॉट है वो 1/10/2012 का है, और दैट विल रिजल्ट इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सबको बातें समझ में आती हैं? एक बार ये सेक्शन पढ़ लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं ये सेक्शन। इफ यू कम टू योर पेज नंबर 6.15 पर आइए, वहां पे लिखा हुआ है सेक्शन 45(2)(a), इट्स अ वेरी सिंपल सेक्शन, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हेल्ड इन डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी का मतलब है, वहां पे लिख लीजिए डीमैट डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी क्या होते हैं, जहां पर हमारे डीमैट फॉर्म में शेयर्स रखे होते हैं, NSDL या CDSL, आपने नाम सुने होंगे ना, NSDL पूरा नाम, ऑल दो जरूरत नहीं है याद करने की, बट स्टिल अगर आप लिखना चाहें तो, और मुझे लगता है कि आपको पता भी होगा, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, NSDL। CDSL का नाम क्या होता है,
बहुत आसान है, सेंट्रल सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड, ठीक है, और नाम याद करने की जरूरत नहीं, बट स्टिल तो इसलिए लिखा हुआ है शेयर्स हेल्ड इन डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी का मतलब है कि डीमैट फॉर्म में शेयर्स रखे हुए हैं। तो लिखा हुआ था व्हेन शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज, चाहे शेयर्स हों या कोई भी सिक्योरिटीज हों, आर इन डीमैट फॉर्म, देन ट्रांसफर ऑफ सच सिक्योरिटीज फॉर कैलकुलेशन ऑफ होल्डिंग पीरियड। हम होल्डिंग पीरियड कैसे देखेंगे, लॉन्ग टर्म होगा शॉर्ट टर्म होगा ये कैसे देखेंगे, तो वहां पर देखेंगे हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से हम देखेंगे। यहां पर सेक्शन 45(2)(a) खत्म हो गया, बहुत छोटा सा सेक्शन था, एक एग्जाम्पल जरूर करना चाहेंगे हम लोग, तो प्लीज मेरे साथ लिखिएगा एक एग्जाम्पल, आप चाहें तो अपने रजिस्टर में लिखें या आप यहां पर भी लिख लें, यहां पर भी लिखें तो चलेगा, ठीक है, यहां पर ही लिख लेते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू राइट एन एग्जाम्पल, मिस्टर ए purchased shares of Infosys Limited on the following date. Mr. A ने कुछ shares purchase किए हैं, ठीक है, on the following date, number of shares, मैं एक टेबल बना रहा हूं छोटा सा, और प्राइस पर शेयर, सबसे पहले इन्होंने परचेज किए हैं 1/5/2015 को, नंबर ऑफ शेयर्स वर 2000, प्राइस पर शेयर रुपीज 600 ईच, दूसरा शेयर परचेस किया है 5/11/2019 को, 3000 शेयर्स ऑफ रुपीज 950 ईच। तो इन्होंने इन्फोसिस के शेयर्स परचेज किए हैं, ही हैज टोटल 2000 प्लस 3000 यानी कि 5000 शेयर्स हैं, अलग अलग डेट्स पर परचेज हुए थे 600 और 950। आगे लिखिएगा, ही सोल्ड दीज शेयर्स, या फिर ऐसे लिखिए, ही सोल्ड 2600 शेयर्स at rate of 1100 each on 5th February 2020, calculate his capital gains, ठीक है, तो this guy is selling his shares, ये अपने शेयर्स बेच रहे हैं, आपको बताना है कि इनका कितना कैपिटल गेन होगा। तो सबसे पहले इनके पास थे 2000 शेयर्स, उसके बाद थे 3000 शेयर्स, यानी कि टोटल ही हैज 5000 शेयर्स, अलग अलग डेट पे परचेज हुए हैं, ये थे 1/5/15 और ये थे 5/11/19 को, रेट भी अलग अलग था, जब 1/5/15 को परचेज किए गए थे उस समय 600 का परचेज प्राइस था, जब 2019 में परचेस किए तो उस समय 915 की कॉस्ट थी। इन्होंने इसमें से आउट ऑफ दिस 5000 इसमें से इन्होंने 2600 शेयर्स बेच दिए हैं, आपको बताना है कि कैपिटल गेन कितना होगा, ठीक है। यहां पर कोई शेयर सर्टिफिकेट जैसी बातें नहीं होती हैं, और मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकली आज शेयर सब कुछ डीमैट फॉर्म में ही होता है सिक्योरिटीज। तो आप यहां पर अप्लाई करेंगे सेक्शन 45(2)(a) जो 45(2)(a) कहता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के हिसाब से शेयर्स को सेल आउट करिए। चलिए करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, स्पेस कम है पर फिर भी चलिए काम चलाते हैं यहां पर,
ओके सॉल्यूशन कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स. कब कैपिटल गेन्स अराइज हो रहा है इनका? असेसमेंट ईयर 2021 में, प्रीवियस ईयर 1920 में. ठीक है ना, पक्का 1920, क्योंकि इन्होंने बेचे हैं 5/2/2020 को. प्रीवियस ईयर 1920 मतलब असेसमेंट ईयर 2021. अब प्लीज बताइएगा कैसे करेंगे सर. 2600 शेयर्स, जो 2600 शेयर्स को सेल आउट करा है उसमें से एज्यूम करेंगे जो फर्स्ट टेन वाले, मतलब ये 2000 शेयर्स ये भी सेल आउट हुए हैं. तो आउट ऑफ 2600 इसके दो पार्ट कीजिए, एक तो 2000 शेयर्स और दूसरा 600 शेयर्स. 2000 शेयर्स फर्स्ट लॉट के और 600 शेयर सेकेंड लॉट के जाएंगे. ठीक है, और फर्स्ट वाले पर आपको पता है कि ये शेयर्स थे 1/5/2015 में लिए थे, 5/2/2020 को हमने बेच दिए हैं, तो इट्स विल रिजल्ट इन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. और ये 5/11/19 से अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3-4 महीने होते हैं, इट विल रिजल्ट इन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन. तो हमें इसका अलग अलग निकालना पड़ेगा. तो आप इसको कैसे निकालेंगे, आप इसको कीजिए 2000 शेयर्स के लिए अलग करना पड़ेगा, 2000 शेयर्स के लिए अलग और 600 शेयर्स के लिए आपको अलग करना पड़ेगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों पर आपका अलग अलग कैपिटल गेन आ रहा है, दोनों की कॉस्ट अलग अलग थी, कॉस्ट अलग अलग थी तो कैलकुलेशन अलग अलग करनी पड़ेगी. तो 2000 शेयर्स के ऊपर सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, कितने का बेचा है सर? 1100 का. तो 2000 × 1100 22 लाख. और दूसरा 600 × 1100 66,000. ठीक है, एक मिनट, दिस इज 6,60,000. ओके, 1100 × 600 6,60,000. ठीक है, लेस करें इसमें से, क्योंकि ये फर्स्ट वाले जो शेयर्स हैं, जो फर्स्ट वाले शेयर्स हैं इसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आने वाला है, तो इसके लिए इंडेक्सेशन करेंगे. 2000 शेयर्स के लिए आप इंडेक्सेशन करेंगे, और 600 शेयर्स क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है इसके ऊपर इंडेक्सेशन नहीं होगी. तो आपको कॉस्ट को कैसे शो करना पड़ेगा, लेस कीजिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. ठीक है, सिर्फ 2000 शेयर्स की इसकी कॉस्ट कितनी थी जरा देख लें. कॉस्ट थी हमारी 600 इसकी कॉस्ट थी. 2000 शेयर्स की हो जाती है 2000 × 600 ये कॉस्ट है. इसको इंडेक्सेशन कीजिए CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर. शेयर की इंडेक्सेशन होती है, बिल्कुल होती है, डिबेंचर्स की नहीं होती, बॉन्ड्स की नहीं होती, बट शेयर्स वगैरह की तो होती है. CII ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर 289 डिवाइडेड बाय CII ऑफ द ईयर ऑफ एक्विजिशन. जरा देख लें कि हमने एक्वायर कब करा था. सर हमने एक्वायर करा था 1516 में. ठीक है, पक्का 1516 में आपने एक्वायर करा था. 1516 का CII देख के आते हैं, 6.11 पेज पर मिल जाएगा. 1516 का CII है 254. ठीक है, तो आ जाइए. कैलकुलेट करें, 2000 × 600 12 लाख आ गया ये, × 289 डिवाइडेड बाय 254, सो दिस विल बी 13,60,000. एक बार चेक कर लीजिएगा आप कैलकुलेशन, 65,000
354, ठीक है। और इसके बाद यहां पर एक लाइन की स्पेस दे दीजिएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा 8,34,646, ये है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। और दूसरे का, क्योंकि ये शेयर्स 950 के थे, 950 के थे और वो भी परचेज करे थे 5/11/2019 को, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ले रहे हैं, तो 2000 शेयर्स फर्स्ट लॉट में से और 600 शेयर्स यहाँ से, तो यहाँ पे 600 शेयर्स की कैलकुलेशन कीजिए, 950 का एक शेयर था और इंडेक्सेशन होगी नहीं, तो यहाँ पर कॉस्ट बनेगी हमारी 600 शेयर्स इंटू 950 कॉस्ट है। तो आप ये, आप लॉन्ग टर्म वाली इंडेक्सेशन वाली लाइन में ना लिखें, एक लाइन छोड़नी पड़ेगी, बट यहाँ पर थोड़ी कम स्पेस है, थोड़ी ज़्यादा कम स्पेस है, तो इसलिए मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर लिख रहा हूँ, बट इट शुड बी इन सेपरेट लाइन, 600 इंटू 950, 5,70,000 आ गया। तो ये आपका, इस लाइन में मत लिखिएगा क्योंकि लॉन्ग टर्म की लाइन है, ठीक है, लॉन्ग टर्म की लाइन है, थोड़ा सा नीचे लिख देंगे हम, तो अभी मैं डायरेक्ट कर रहता हूँ 6,60,000, तो दिस वुड बी 90,000, यहाँ पर 90,000 का, और ये आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो आपको कैपिटल गेन निकालना था, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वुड बी 8,34,000, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वुड बी 90,000। सबको ये समझ में आ गया है? प्लीज़ पहले तो ये क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ पर वीडियो पॉज करिए, ठीक है, ये क्वेश्चन के लिए मैं करा रहा हूँ, आंसर के लिए ये रहा आपका आंसर, तो यू कैन पॉज द वीडियो राइट हेयर और आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। सबको समझ में आ गया? एक बार जरा रिपीट कर लें, कौन सा सेक्शन करा है हमने, हमने सेक्शन किया है 45(2)(a) जो ये कहता है कि ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज इन डीमैट फॉर्म, जो सिक्योरिटीज डीमैट फॉर्म में होती हैं डिपॉजिटरी के पास, मतलब NSDL या CDSL, मतलब डीमैट फॉर्म में, तो उनके लिए आप कैसे करेंगे? कहते हैं कि इनका होल्डिंग पीरियड या उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि कॉस्ट अलग अलग आई थी, हमने जब शुरू के 2000 की कॉस्ट ली तो वो 600 थी, बाकी के 600 शेयर्स की जो कॉस्ट थी वो 950 थी, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि इनकी होल्डिंग पीरियड और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए हमेशा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट को आप फॉलो करें, और इस तरीके से आप सेक्शन 45(2)(a) कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस वॉज क्वाइट ईजी सेक्शन।